यह एक ऐसा हेयर मास्क है जो आपके हेयर की सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। जैसे आपके हेयर की अगर ग्रोथ है वो रुक चुकी है तो उसे प्रमोट करेगा, आपके हेयर की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा। अगर आपके हेयर में बहुत ही ज़्यादा रूसी है या फिर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो उन्हें हेल्दी बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, प्लस आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी बूस्ट होगी। इसके लिए आपको लेना है 3-4 आंवला। आप आंवला पाउडर भी यूज कर सकते हो। इसको आपको 1 ग्लास वाटर ऐड करना है, फिर इसे उबालना है, उसके बाद ग्राइंड करना है। आपको यहाँ पे ऐड करना है 3-4 टेबल स्पून दही। दही आपके हेयर से रूसी को ख़त्म करेगी, प्लस आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करने में हेल्प करेगी। विटामिन ये आपको ऐड करना है 1 या 2। यह आपके हेयर की जो ग्रोथ है उसे प्रमोट करता है, प्लस आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। आपको यहाँ पे ऐड करना है अपना कोई फेवरेट हेयर ऑयल। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऐड किया है, यह आपके हेयर की जो ग्रोथ है उसे बूस्ट करता है। आपको यहाँ पे ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी, इसको आपको स्किप नहीं करना है, 1-2 टेबल स्पून। यह आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती, प्लस आपके हेयर को क्लीन करती है, मतलब अगर आपके हेयर में बहुत ही ज़्यादा रूसी है तो उसे ख़त्म करेगी और आपके हेयर की क्वालिटी को इंक्रीज करेगी। आपको लास्ट में ऐड करना है राइस वाटर, इसे आप रात भर के लिए भिगो दो, उसके बाद इसे आप यूज कर लो। इसको आपको पूरे हेयर पे अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे हेयर की लेंथ हो गई, हेयर की जड़ हो गई और स्कैल्प हो गई। इसको आपको डेली अप्लाई नहीं करना है, इसे आपको कम से कम वीक में 1 या 2 बार अप्लाई करना है। इसे आप 1 या 2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। इसको आपको कम से कम 40-50 मिनट लगा के रखना है। अगर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, तो इसे आपको वीक में 3 या 4 बार अप्लाई करो तो आपके हेयर की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी, प्लस अगर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा हेयर में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसे आपको 40-50 मिनट लगा के रखना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। इसको आपको सिंपल पानी से वॉश करना है, मतलब आपको शैम्पू भी नहीं यूज करना है। अगर आप शैम्पू यूज करना चाहते हो आप माइल्ड शैम्पू का यूज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।